गाइस, आज हम जानेंगे एक ऐसे ही आइलैंड के बारे में जहां लोग जिंदा तो गए लेकिन लौट कर जिंदा वापस नहीं आए। यह आइलैंड इंडिया के ही टेरिटरी का एक हिस्सा है जो कि अंडमान आइलैंड से 50 किलोमीटर दूर स्थित है, और यह आइलैंड 60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और इसको घने पेड़ों ने इस तरह ढका हुआ है कि ऊपर से कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। और इस आइलैंड का नाम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, जहाँ पर आज भी आदिवासी जनजातियाँ बसती हैं, और कहा जाता है कि आदिवासी जनजातियाँ यहाँ पर 60,000 सालों से मौजूद हैं। क्योंकि दुनिया दिन प्रतिदिन बदलती चली गई, लेकिन दुनिया से बिल्कुल अलग और आइसोलेट होने के कारण इन लोगों में कोई बदलाव नहीं आया। और इस आइलैंड पर एस्टिमेटेड आदिवासियों की संख्या 100 से 500 तक मानी जाती है, क्योंकि कभी यहाँ पूरी तरह से जाया नहीं जा सका। और 1771 में एक ब्रिटिश शिप इस आइलैंड के पास से गुजरा था, जिसने इस आइलैंड के बीच पर आग जलती देखी थी, लेकिन शिप के लोग इस आइलैंड पर उतरे नहीं थे, बस दूर से ही देखा था। और इन आदिवासियों की भाषा को समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि इनकी एक अपनी अलग ही भाषा होती है। लेकिन यह धनुष मार चलाने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि 1867 में पहली बार इन आदिवासियों का सामना आधुनिक लोगों से हुआ था, जब इंडियन मर्चेंट का जहाज़ इस आइलैंड पर ख़राब हो गया था, जिसमें 106 लोग मौजूद थे। और इस जहाज़ के क्रू को लगा कि इस आइलैंड पर तो कोई भी नहीं रहता होगा, और वह लोग इस आइलैंड पर रुक गए और रेस्क्यू टीम का इंतज़ार करने लगे। तभी थोड़ी ही देर के बाद उनके साथ वो हुआ जिसकी कोई उम्मीद न थी, क्योंकि वो बैठे ही थे और क्या देखते हैं कि कुछ आदिवासी झाड़ियों से निकलकर उन पर तीर भालों से वार करने लग जाते हैं, और जहाज़ के लोग काफ़ी डर जाते हैं और रेस्क्यू टीम को इमरजेंसी कॉन्टेक्ट करने लगते हैं। और रॉयल नेवी रेस्क्यू पार्टी द्वारा इन लोगों को एक दूसरे शिप की सहायता से बचा लिया जाता है, जिसमें कुछ लोग तीर लगने की वजह से घायल हो जाते हैं। और इस घटना के बाद लोगों को इन जनजातियों के बारे में पता चलता है, और 1880 में एक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर मॉरिस विडल पोर्टमैन द्वारा इन आदिवासियों पर रिसर्च का प्लान बनाया जाता है। और इस प्लान में यह डिसाइड किया जाता है कि पहले ये लोग छुप छुप कर आइलैंड पर जाएंगे, और उसके बाद कुछ आदिवासियों को चुपके से पोर्ट ब्लेयर ले आएंगे, जो कि अंडमान का ही एक शहर है, और यहाँ पर इन आदिवासियों को कुछ दिन रखेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि इनसे अच्छे कॉन्टेक्ट बनाए जा सके, और फिर कुछ गिफ्ट देकर इन आदिवासियों को सही सलामत इनके आइलैंड पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब मॉरिस विडल पोर्टमैन सच में अपने प्लान के अकॉर्डिंग इस आइलैंड पर पहुंचते हैं, तो ये काफ़ी टाइम तक आदिवासियों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी नज़र नहीं आता है। और काफ़ी ढूंढने के बाद एक दिन इन्हें आदिवासियों का एक ओल्ड कपल मिल जाता है, जिनके 4 बच्चे होते हैं, और इसी फैमिली को पोर्टमैन किडनैप कर लेते हैं और पोर्ट ब्लेयर ले आते हैं। और लाने के कुछ ही दिनों के बाद ये पूरी फैमिली बीमार हो जाती है और ओल्ड कपल की मौत हो जाती है, और इसके बाद तुरंत बच्चों को गिफ्ट देकर उनके घर भेज दिया जाता है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आदिवासी इस पॉल्यूटेड दुनिया में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट नेचर के टच में रहते हैं, और इसलिए उनकी बॉडी में बाहरी दुनिया की बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं है। इसीलिए ओल्ड कपल की डेथ हो गई, और जिन बच्चों को वहाँ पर भिजवाया गया था वो भी बीमार थे, तो हो सकता है इस बीमारी के चलते वहाँ पर कई लोग मर गए हो। यही कारण है जिसकी वजह से उनका गुस्सा बाहरी दुनिया पर और ज़्यादा बढ़ गया, और इसके बाद इस आइलैंड पर कई सालों तक किसी ने जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन त्रिलोकनाथ पंडित, जो कि डायरेक्टर थे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और उनकी जूनियर कलीग मधुमाला चट्टोपाध्याय एक ऐसी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट महिला थी जो कि पहली बार इन आदिवासियों से बिना वॉयलेंस के पीसफुल कॉन्टेक्ट बनाने में 1991 में कामयाब हुई थी, क्योंकि त्रिलोकनाथ पंडित इससे पहले भी यहाँ आते थे और कुछ गिफ्ट आइलैंड पर फेंका करते थे, ताकि इन लोगों से पीसफुल कॉन्टेक्ट किया जा सके। लेकिन हमेशा ये आदिवासी तीर भालों से वार करने लगते थे, और जो भी गिफ्ट इन्हें दिए जाते थे या लोग बीच पर ही बरी कर देते थे। और एक बार एक एमवी प्रिमरोस नाम का जहाज, जो कि बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था,
और तूफान आने की वजह से इस आइलैंड के पास जाकर अटक गया था। रात में इस जहाज़ पर तो कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सुबह हुई और सेंटिनलीज ने इस जहाज़ को देखा तो फौरन तीर भालों की बौछार कर डाली। लेकिन जहाज़ बीच से थोड़ी दूरी पर था और हवा भी तेज़ी से चल रही थी, इसीलिए तीर जहाज़ पर लग नहीं रहे थे और जहाज़ का क्रू लगातार रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट कर रहा था। और 4 दिनों बाद उन लोगों को हेलीकॉप्टर की सहायता से बचा लिया गया था। लेकिन उनकी शिप आज भी इस आइलैंड पर पड़ी हुई है, जिसको गूगल मैप पर देखा जा सकता है। और हिस्ट्री में कई बार इनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय को छोड़कर इनसे कोई भी पीसफुल कांटेक्ट नहीं बना पाया। और इन आदिवासियों की खबर फैलने से 1974 में एक नेशनल ज्योग्राफिक टीम ने डॉक्यूमेंट्री बनानी चाही और यह टीम कुछ मेंबर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ रवाना हुई, जिसमें त्रिलोकनाथ पंडित भी शामिल थे। लेकिन जैसे ये लोग आइलैंड के पास पहुँचे तो फिर से वही मंजर आ गया जिसका डर था। आदिवासियों ने तुरंत अपने तीर भालों की बरसात इन लोगों पर कर दी और डायरेक्टर के पैर पर एक तीर लग गया, और इसके बाद वहाँ से उल्टे पांव भागने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन वह लोग अपने साथ कैमरा लाए थे, जिसमें दूर से ही इन लोगों की फुटेज कवर कर ली गई, और यह इमेज और फुटेज उन लोगों द्वारा कवर की गई पहली और आखिरी फुटेज है। उन लोगों द्वारा यह भी बताया गया था कि इन आदिवासियों की हाइट 5.3 से 5.5 फीट तक है, जो कि डार्क ब्लैक कलर के हैं। और इस घटना के बाद फिर से बहुत दिनों तक यहाँ पर किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की, और फिर कुछ सालों बाद इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस आइलैंड को बैन कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस बात को समझ गई थी कि यहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है और इन लोगों को भी इनके आइलैंड पर स्वतंत्रता से रहने दिया जाए। और इस आइलैंड के 10 किलोमीटर रेंज के अंदर अब कोई नहीं जा सकता है, और आर्मी भी शिप्स द्वारा इस एरिया पर निगरानी करती रहती है। लेकिन सन 2006 में दो मछुआरे गलती से मछली मारने इस आइलैंड पर पहुंच गए थे तो आदिवासियों ने उनको मारकर बांस द्वारा बीच पर ही लटका दिया था, जो कि इस बात का सीधा मैसेज था कि हमारे आसपास भी न भटका जाए। और इस घटना के बाद इन आदिवासियों को आदमखोर भी कहा गया, लेकिन यह आदमखोर नहीं है, बस यह दुनिया से अलग रहना चाहते हैं। और रिसेंटली सन 2018 की बात है, एक जॉन एलन चाउ नामक युवक जिसकी एज 26 ईयर्स थी और वो क्रिश्चियनिटी का मैसेज इन आदिवासियों को देना चाहता था, और आइलैंड बैन होने के बाद भी उसने इलीगल ट्रिप का प्लान किया और दो मछुआरों को रिश्वत दी कि वह लोग एलन को आइलैंड पर पहुंचा दे। और ये लोग रात में रवाना हुए थे ताकि इन्हें आर्मी द्वारा पकड़ा ना जा सके, और ये लोग चुपके से आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। और एलन अपने साथ कुछ गिफ्ट और बाइबल ले गया था, और पहले तो एलन उन लोगों को गिफ्ट देता है और फिर अपने धर्म के बारे में बताने लगता है। उतनी ही देर में एक आदिवासी एलन के ऊपर अपना तीर एम कर देता है और तीर चला देता है, लेकिन यह तीर बाइबल पर लगता है और इस बार एलन बच जाता है और वहाँ से भाग लेता है। लेकिन क्रिश्चियनिटी का फेथ इसके ऊपर इस कदर हावी हो जाता है कि यह दोबारा आइलैंड पर जाता है और इस बार एलन मार दिया जाता है। और मछुआरे दूर से देख रहे होते हैं कि आदिवासी इसकी बॉडी को बीच पर बरी कर रहे होते हैं, और इसके बाद मछुआरे भाग खड़े होते हैं और पता चलने पर एलन की बॉडी को रेस्क्यू टीम द्वारा लाए जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन नतीजा वही निकलता है। रेस्क्यू टीम पर भी आदिवासी तीरों की बमबारी करने लगते हैं और रेस्क्यू टीम भी वहां से भाग खड़ी होती है और एलन की बॉडी को नहीं लाया जा पाता है। और सन 2004 में सुनामी आने की वजह से इंडियन ओशन का लेवल थोड़ा घट गया था, जिसकी वजह से यह आइलैंड 1 से 2 मीटर अपलिफ्ट हो गया, और आज की डेट में इस आइलैंड पर गलती से भी कोई जाने की नहीं सोच सकता है, वरना वह अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।